हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, यहाँ पर आप सबके लिए मैं हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन के बीच यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो ये जो सारी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि योगदान में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा सर, योगदान यानी कि यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बेसिकली आप ये समझो कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या होता है, पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भाई उच्छ्वास यानी कि उत् प्लस श्वास, तो यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जब भी यहाँ पर हलंत लग जाए बेसिकली आपके व्यंजन में, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। भाई जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए एक शब्द बेसिकली क्या होता है भाई, स्वार्थी। लेकिन स्वार्थी कौन सा लिखेंगे, ये वाला मत कर देना भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी स्वार्थी है इस रूप से लिखा जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा परमार्थी का मतलब क्या होता है भाई, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं परमार्थी के बारे में, परमार्थी का मतलब होता है दूसरों का भला चाहने वाला। इसके अलावा मतलबी का मतलब क्या होता है भाई, जो अपने आप से मतलब रखता हो। और ये जो स्वार्थी लिखा है इसका मतलब होता है जो स्वयं रथ चलाता हो। क्लियर है? चलिए, एक सारथी होता है एक स्वार्थी होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 154 कह रहा है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द की बात कर रहा है, तो बहिर्मुखी शब्द में दोस्तों बहिर् उपसर्ग प्रयुक्त होगा। बहिर् कौन सा बहिर्, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें हलंत लगा हुआ है अधर्रा, वो यहाँ पर उपसर्ग जो है प्रयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। तो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा वाक्य एक मिश्र वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 155 में, तो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखो, ये मिश्र वाक्य नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो ये संयुक्त वाक्य, वरन लग गया ना, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य जो है जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति जो है बेसिकली किसकी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। मर्यादा की बात कर रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा मर्यादा जो थी वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको इनको मिलान करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके सामने चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आपको इसी के हिसाब से जवाब दो देना है। तो यहाँ पर चलिए मिला देते हैं। तो पहला क्या है, भक्ति यहाँ पर बेसिकली कुछ रचना है और कुछ रचनाकार हैं। तो भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये भाई यहाँ पर मिल जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का ये कथन है। क्लियर है? इसके अलावा नहीं, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये तुलसीदास जी का कथन है, माफ़ कीजिएगा, ये तुलसीदास जी का कथन है, मैथिली शरण गुप्त जी का कथन तो हो ही नहीं सकता ये। इसके अलावा हम राज्य के लिए मरते हैं, ये हम मान सकते हैं कि ये वाला हम राज्य के लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है। इसके अलावा ये उपमान मैले हो गए, तो ये दोस्तों अज्ञेय जी का है। और बत्रस लालच लाल की सबको पता है, बिहारी जी का है रचना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4-3-1-2, तो 4-3-1-2 किस में आ रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विलोम शब्द चुनना है, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। सर अभी मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतघ्न होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्यस्त का विलोम कई बार पूछा गया, तो अनअभ्यस्त होता है, अनभ्यस्त होता है, यहाँ पर बीच में बस आ ना लग जाएगा। क्लियर है? और सारा का सारा वैसे ही रहेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, संकीर्ण का विलोम बताना है। संकीर्ण सबको पता है सर, संकीर्ण क्या होता है, संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है विकीर्ण, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें, मृगधर का पर्यायवाची बताना है। मृगधर, अगर हम मृगधर की बात करते हैं तो उसका पर्यायवाची होता है चंद्रमा, शशि, सुधांशु, राकेश, ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक कर देंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है पराग का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए पराग के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों पराग का पर्यायवाची होता है सुगंध, खुशबू, महक, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है सुगंध, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? अब देखिए 163 से लेकर 165 तक यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनना है। तो गयंद का अर्थ व्यंजक यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त तो कौन सा होगा, गयंद का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो गयंग का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है भाई, हाथी, क्या होता है बड़ा हाथी। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी है बड़ा हाथी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए मूढ़ चेता है, मूढ़ चेता का मतलब क्या होता है सर, तो मूढ़ चेता का मतलब होता है भैया क्या शब्द, इसका मतलब होता है मूर्ख। तो यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूढ़ चेता का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। इसी तरह प्रायोगिक दिया गया है, प्रायोगिक का मतलब क्या होता है भाई, प्रायोगिक का मतलब होता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। तो आपसे कह रहा है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली आई चली गई, फिरकी सी आई चली गई, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उपमा अलंकार है। बेसिकली उपमा अलंकार क्या होता है कि जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, और जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास होता है, संभावना सबको पता है। चलिए जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर आपका उत्तरेच्छा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर उपमा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो भाई पापी मनुज भी आज मुख से राम निकालते, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें विरोधाभास, विरोधाभास क्यों हो रही है भाई, पापी मनुज मनुष्य जो है आज मुख से राम नाम निकाले, यानी कि पापू मनुष्य राम नाम निकाला तो विरोधाभास हो रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 168 में कह रहा है भाई शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भाई शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है निर्वेद, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं क्योंकि वो आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन या अशुद्ध और शुद्ध वाक्य और मिलाने वाले क्वेश्चन, वो तो आप लोग कर ले जाते हो। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर। तो क्वेश्चन नंबर 182 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है। जो गांधी जी का अर्थशास्त्र है वो धर्म और अहिंसा, सबको बताना भाई, धर्म और अहिंसा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 183 क्या कह रहा है यहाँ पर कि डॉट 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 की दृष्टि से राष्ट्रीयता का आधार है, किसकी दृष्टि। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष जो दृष्टि होती है वो राष्ट्रीयता का अधिकार है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 184 यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। राष्ट्रीय भावना किस रूप में जागृत करता है भाई, तो याद रखिएगा स्वाभाविक रूप से। तो स्वाभाविक रूप से जागृत करता है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 185 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि विकास के लिए आर्थिक किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो भाई विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जिसका बी है आत्मनिर्भरता, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 186 क्या कह रहा है ध्यान देखिए कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक देखा जाए जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए, तो शाम में तो निकलेगा नहीं, ला ला बोल करके खुद देखो ये जो व्यंजन है आपका पार्श्विक है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्श्व मतलब होता है बगल से निकल जाना। क्लियर है? चलिए आते हैं 187 नंबर क्वेश्चन पर। तो उन्मेख किस प्रकार का शब्द है भाई, उन्मेख की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा उन्मेख जो है वो आपका एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है तद्भव, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई तद्भव शब्द आपको पता है क्या होता है, इसके अलावा
तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, और यहाँ पर जो और ऑप्शन दिए गए हैं तत्सम, देशज, आगत। आगत शब्द क्या होते हैं सर, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगत शब्द क्या होते हैं। देशज, तत्सम, तद्भव तो सभी लोग जानते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। भाई किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो खड़ी बोली है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है दोस्तों, खड़ी बोली, इसमें ने परसर्ग लगाया जाता है। यह ओंकार बहुल बोली है, इसमें मैंने, तुमने, तूने, तुन्ने आदि शब्द जो है प्रचलित होती है, क्लियर है। और अवधी बोली जो है अकार बहुल होती है। देखिए ये जो ने परसर्ग वाला होता है खड़ी बोली, इसमें क्या होता है भाई, ओंकार होता है और अवधी में अकार होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो राजा राम मोहन राय जी ने। तो भैया भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले जो नाम है वो राजा राम मोहन राय जी ने सुझाया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है, तो देखा जाए तो जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष यानी कि संज्ञा हो, तो देखिए देव की महानता बताई जा रही है ना, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महान विशेषण है, देव आपका विशेष्य है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है संपन्नता का विलोम शब्द क्या है। संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा बताइए सर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका निर्धनता, संपन्न मतलब जिसके पास बहुत सारे धन हो, और निर्धनता मतलब जिसके पास धन ना हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो अज्ञानी का पर्यायवाची यहाँ पर देखा जाए तो अज्ञानी का पर्यायवाची अज्ञ होता है, मूर्ख नहीं होता है। तो बिल्कुल देखा जाए अज्ञा, सॉरी मूर्ख होता है, इसके अलावा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ भी होता है, लेकिन जो आपका भिज्ञ होता है ये पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, तो आप सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर आपका 193 कह रहा है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। भाई जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा जो है बेसिकली देखा जाए तो विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है विशेषण, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो एरा है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है एरा, ये प्रत्यय जो है लुटेरा में लगा हुआ है, जैसे चितेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा, इसमें एरा प्रत्यय आपका जो है बेसिकली लगा हुआ होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 95 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। निस्संकोच की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा 195 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निह। तो निस्संकोच में निह प्लस संकोच मिलकर के बना हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। पीछे चलने वाला, तो पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगत। तो जितने लोग यहाँ पर सोच रहे हैं अनुगत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं भाई, अनुगत बोला जाता है। इसी तरह दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म का अर्थ है। आदि व्याधि, तो यहाँ पर देखा जाए तो आदि व्याधि का मतलब होता है अर्थ मानसिक कष्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे गांव के लोग आदि व्याधि से पीड़ित है, मानसिक कष्ट से पीड़ित है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम कौन सा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो कर्तन है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है कर्तन, ये आपका काटना का तत्सम रूप होता है। तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्दों को कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए क्या है बताइए। रुपए बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज़ करते हैं। तो भाई रुपए जो होते हैं बेसिकली खनकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो तो बात अलग है भाई, पैसा बोलता है वो तो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रुपए खनकते हैं, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर आपका 200 कह रहा है कि कट जाना, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि भाई कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आज का जो टेस्ट है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखने चाहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।